देखिए, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, है ना, बोध आदि का बोध हो, है ना, आदि का बोध हो, उसे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे हम जैसे क्या लिखेंगे, जैसे हो जाएगा, जैसे विशेष व्यक्ति वस्तु, है ना, विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे दर्ज होता है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें हो जाएगा जैसे, जैसे में क्या लिखेंगे, जैसे विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे महात्मा गांधी, जैसे क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, फिर क्या जाएगा, ताजमहल, क्या हो जाएगा, ताजमहल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ताजमहल, फिर क्या, लाल किला, लाल किला, लाल किला, याद रखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसी तरह से आपको याद करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, अब उसको याद कीजिए, अपना बुक में दिया हुआ है, चाहे नोट्स भेजते हो उसको भी अच्छे से याद करोगे। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध होता है या हो उसे क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति बोले इसका महात्मा गांधी, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद, ठीक है, और इसका जगह ताजमहल, लाल किला, इसे क्या हो जाएगा, विशेष व्यक्ति वस्तु, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, विशेष क्या हो जाएगा, अब जैसे मान नदी का नाम क्या हो जाएगा, गंगा, क्या हो जाएगा, ये गंगा, है ना, ये गंगा नदी, ये विशेष आदि, है ना, इसके क्या हो जाएगा, ये आदि, समझ गए कि नहीं, ये विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, समझ गए ना, अब हम लोग दूसरा क्या पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, फर्स्ट नंबर में क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, है ना, दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कहते हैं, है ना, कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या ऐसे जिन शब्दों से किसी साधारण व्यक्ति वस्तु स्थान और संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में क्या होता है, साधारण होता है ना, और व्यक्तिवाचक में क्या होता है, जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, इसमें व्यक्तिवाचक में, और लेकिन जातिवाचक में क्या होता है, जिन शब्दों से किसी साधारण व्यक्ति वस्तु स्थान या संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे कह सकते हैं परिभाषा, है ना, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे किताब, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे किताब, ठीक ना, ये हो जाएगा किताब, गाय, है ना, जैसे किताब गाय, है ना, इस तरह का जगह, जैसे का जगह कलम, पेन, टोपी, है ना, ये टोपी, टोपी, है ना, इस तरह का पेंसिल, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल आदि, ठीक है। देखिए बच्चों समझ गए ना, इस तरह का व्यक्तिवाचक में क्या होता है, जिससे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जाति में कह सकते
जिन शब्दों से किसी विशेष जिन शब्दों से किसी साधारण व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का यानी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।